हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रीति और मेरे चैनल किचन किंग स्पेशल डिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की रेसिपी में मैं आपके साथ सूरन की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और इसे अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसे हमारे यहाँ जिमी कांदा के नाम से जाना जाता है। तो आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए इसकी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसके छिलके उतार करके इसे इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और इसे मैंने अच्छे से धो करके साफ कर लिया है। तो चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है और इसमें हम तेल डालेंगे और इन पीसेस को हम फ्राई कर लेंगे। और इसे हमें एक एक करके फ्राई नहीं करना है, सभी को हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। सूरन की सब्जी को कई तरह से बनाया जाता है। इसे उबाल करके भी बनाया जाता है और इस तरह से फ्राई करके भी बनाया जाता है। तो आज मैं इसी तरह से बिना उबाले ही इसे फ्राई करके बना रही हूँ। और ये देखिए, सूरन बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है और इसमें बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है और ये सभी तरफ से गोल्डन हो चुकी है। तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ये बहुत ही कम तेल में अच्छे से फ्राई हो जाती है। तो ये देखिए, सूरन के फ्राई होने के बाद कढ़ाई में बहुत सारा तेल बचा हुआ है, तो इसी तेल में हम इसकी सब्जी भी बना लेंगे। और यहाँ पर मैंने 10-12 लहसुन की कलियाँ ली हैं, एक मीडियम साइज का प्याज लिया है जिसे मैंने इस तरह से काट लिया है, आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, दो हरी मिर्च ली है और 2 टमाटर लिए हैं जिसे मैंने इस तरह से रफली कट कर लिया है। और अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और इन्हें पीस करके इनका पेस्ट तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, मैंने इसे पीस करके इस तरह से इसका पेस्ट तैयार कर लिया है और इसे पीसते समय मैंने पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। अब उसी तेल में हम 2 तेज़पत्ते डालेंगे और छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और 1 छोटी चम्मच सरसों डालेंगे और इन्हें हम थोड़ी देर के लिए चटकने देंगे। और अब इसमें हम जो पेस्ट बना कर रखे हैं उसे डाल देंगे और इसे हम एक बार अच्छे से चला लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने जार में ही थोड़ा सा पानी डाल करके इसमें डाल दिया है, ये देखिए। और अब इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक इसका पूरा पानी सूख ना जाए और इसमें से तेल अलग ना होने लगे। और ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई है। और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। और अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले जो है वो जले ना। और गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे हम भून लेंगे। तो ये देखिए, सारे मसाले अच्छे से भून गई है। तो दोस्तों, सूरन की सब्जी खाते समय गले में लगती है तो इसके लिए इसमें हम खटाई डालेंगे। तो खटाई के लिए आप इसमें दही डाल सकते हैं, आमचूर का पाउडर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए इस तरह से आम को सुखा करके आमचूर बना लिया था जिसे मैंने पहले ही पानी में भिगो करके रखा था, जिसे कि ये अच्छे से फूल गई है। तो इसे हम हल्का सा इस तरह से मैश कर लेंगे और इसे हम डाल देंगे मसालों में। और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे हम भून लेंगे। और इसी के साथ इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे जिससे कि इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। और इसे भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो अब इसे हम थोड़ी देर के लिए और अच्छे से भून लेंगे और ये देखिए, मसाले बहुत ही अच्छे से भून गई है। तो अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आप सब्जी में ग्रेवी रखना चाहते हैं उस हिसाब से इसमें पानी डाल लीजिए। तो ये देखिए, मैंने इसमें पानी डाल दिया है और अब इसे हम ढक करके इसमें एक उबाल आने देंगे। थोड़ी देर बाद इसे हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसमें बहुत ही अच्छे से उबाल आने शुरू हो गई है। तो अब इसमें हम फ्राई किए हुए सूरन को डाल देंगे और इसमें हम नमक डाल देंगे। तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिएगा और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम ढक देंगे और ढक करके इसे हम थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे जिससे कि ये अच्छे से पक जाएगी। तो ये देखिए, ये अच्छे से पक करके तैयार हो चुकी है। ये देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट सूरन की सब्जी बन करके तैयार हुई है। तो अब इसमें हम 1 छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और थोड़ी से हरे धनिया की पत्ती डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे हम लो फ्लेम पर और पका लेंगे।
और ये देखिए इस तरह से हमारी सूरन की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बन करके तैयार है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे सर्व कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारी बहुत ही स्वादिष्ट सूरन की सब्जी बन करके तैयार है। तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।